नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग गाइस एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और इससे पहले की क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, यूपीएससी प्री में स्पेशली। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटीज होती हैं वो एक कॉमन डोमेन की बुक होती हैं, जो यूपीएससी, जो अखिल भारतीय संस्था यानी कि जो पूरे देश के लेवल पर एग्जाम लेती है, उसको इसी तरह के किसी कॉमन डोमेन की जरूरत पड़ती है। एनसीईआरटी की जो सबसे खास बात होती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। जैसा कि मैंने उस दिन लाइव क्लास में आपको पहले भी बताया था कि इसका एक बेसिक पर्पज ये होता है कि कैसे आप अपनी रटने यानी मगब की जो प्रवृत्ति है उससे हटकर एक अंडरस्टैंडिंग आर्गुमेंटेटिव नेचर जनरेट करते हैं। ये जो आर्गुमेंटेटिव नेचर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आर्गुमेंटेटिव नेचर के कारण आप एक आर्गुमेंट्स करने की पावर लेकर आते हैं, आपके पास किसी भी विषय पर एक समझने की, बौद्धिकता की एक क्षमता जनरेट होती है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम कोई डाटा मगअप कर लें, अचानक से कोई कठिन चीज को उठा लें और हम उस पर अपना बेस बना लेंगे, ये मुश्किल होता है। आर्गुमेंटेटिव नेचर के लिए यानी कि जब आप तर्क करने की क्षमता, विवाद करने की क्षमता में आप प्रवेश करते हैं और जहां पर आप अपने विवादों में संतुलन रखने की कोशिश करते हैं, वहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको एक क्रमशः यानी कि हम इसको सीक्वेंस में समझने की कोशिश करें। ऐसे में जो एनसीईआरटीज होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है इनका एक रोल प्ले होता है। अब ये जो रोल होता है जिसमें आप ग्रेजुअली चीजों को समझते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आप उसको जो परफॉर्मेंस यानी आप जो उस पर आउटपुट देना होता है उसको आप एस्टैब्लिश करते हैं, तो एनसीईआरटी इस लिहाज से बहुत अच्छी है। क्योंकि एक तो इनकी भाषा बड़ी सरल है, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है। जो नई एनसीईआरटीज हैं वो आपसे कम्युनिकेशन करती हुई किताबें हैं, यानी वो आपसे संवाद करती है कार्टून्स के थ्रू, अपने इंटेलेक्चुअल जो उसके असाइनमेंट्स हैं उनके थ्रू। लेकिन इसमें एक चैलेंज बहुत बड़ा है कि ये बहुत ज्यादा है। अगर आप छठी से बारहवीं किताबें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, अगर आप इनको इकट्ठा करें तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और एग्जाम में इनके वेटेज और इसको पढ़ने में लगने वाले समय में एक जो है वो रेशियो अच्छा नहीं है, अनुपात अच्छा नहीं है। यानी अगर आपको उससे 30-35% की मदद मिलती है क्वेश्चंस में, साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, लेकिन इसको पढ़ने में ये 2000 से ज्यादा पन्ने या इतनी 56 से ज्यादा किताबें पढ़ने में जो लगने वाला टाइम है आपका, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, बहुत थका देने वाला प्रोसेस होता है। पहले उसको पढ़ना, फिर उसको नोट्स बनाना, फिर उसके असाइनमेंट्स करना, फिर उसमें जो है वो बिटवीन द लाइन जाना, इट्स अ वेरी कंबरसम वर्क। और सबसे बड़ी बात है चूंकि ये स्कूल की किताब है, इट्स नॉट कॉम्पिटेटिव बुक्स, तो इसमें बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपके काम की नहीं है या डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। वो एक छठी क्लास या सातवीं क्लास या आठवीं क्लास के बच्चे को समझाने के पर्पज से बनाई गई है। तो अब सवाल है कि यूपीएससी एस्पिरेंट इनसे कैसे आउटपुट निकालेगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग करते हुए, इस पर शॉर्ट नोट्स बनाते हुए, बिटवीन द लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी अर्क निकाल लेना, नेक्टर निकाल लेना, उसको कैसे वो करेगा। इसी के लिए हमने एनसीईआरटी आंदोलन शुरू किया। आप जानते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल बैच रहा है और इसमें हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े, और मैं लगभग एक डेढ़ साल के गैप के बाद वापस जो है वो एनसीईआरटी, बहुत बच्चों ने कहा कि जो आपका पढ़ाने का जो LWMI बेस है वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, जो नोट्स बनाने का तरीका और क्लास में जो आर्ग्यूमेंट्स करना है बिटवीन द लाइन जो इसका बेसिक अर्क है। हम स्कूल के बच्चे नहीं है, हम छठी सातवीं क्लास के बच्चे नहीं, हमें असाइनमेंट करना और नंबर लेना है। हम इस किताब को इस्तेमाल करके यूपीएससी जैसी संस्था में जा रहे हैं जहां हमारा जो डोमिनेंस है वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे आएगा, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल अलग होगा और यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो बिल्कुल ही अलग होगा। सो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर एक अलग वे में इसको जाना होगा, इसको समझना होगा। तो इसीलिए LWMI टाइप के नोट्स यानी साथ साथ नोट्स और साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हुए यानी उस पर जो है वो क्या विवाद हो रहे हैं, और इसके शॉर्ट नोट्स और इसके साथ जो है वो एक कंप्रिहेंसिव नोट्स जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ लेने में बहादुरी नहीं है, कम समय में इसको पढ़ लेना, समझ लेना, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी आंदोलन जो है, आंदोलन का मतलब होता है कि मास मूवमेंट के साथ जोड़ना, वो हमने इसकी शुरुआत की और ये हमेशा से हमारा एक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है। और मैं इसमें जो है वो चारों सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी का जो है वो सेगमेंट इसमें लेकर आ रहा हूं, वो भी मात्र 4000 रुपए में। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी जो 100 बच्चे, इसमें 200 बच्चों के लिए मैंने ये रखा था, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे इनरोल कर चुके हैं, लगभग 100 सीट्स इसमें और अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, इस फीस में जोड़ना चाहते हैं और LWMI नोट्स, इसके बाद आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, मेरे खुद के बनाए गए नोट्स आपको डायरेक्टली मिलेंगे। दूसरा, इसके पीछे बैकहेंड नोट्स यानी कि पूरा जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एनसीईआरटी आपकी इतने में आ जाएगी वो नोट्स, प्लस इसके बाद जो मेरा BTL, जैसे आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं
उसके जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं उसको एसोसिएट करते हुए करंट से जोड़ देता हूं। तो जो भी करंट में चल रहा है वो एनसीईआरटी, चूंकि 2005 के फ्रेमवर्क पे बनी किताबें हैं तो ये आज की चीजों को डिफाइन नहीं कर पा रही है, तो वो चीजें मैं आपको इसके साथ जोड़ूंगा। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर 4,000 रुपए के पैकेज में, तो कतई जो है इसको ना छोड़े। ये मौका छूटेगा तो फिर मुझे, जैसे फिर लास्ट टाइम मुझे बीच में मेरी व्यस्तता इतनी रही कि मैं इस बैच को लॉन्च नहीं कर पा रहा था, देन अगेन अभी इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा समय मिला तो इसकी वजह से मैंने इस बैच को फिर से लॉन्च किया। तो इसका एक भागीदार बनिए, लगभग 40-45 क्लासेस तक ये हम जो है वो क्लासेस को लेकर चलेंगे और इसमें मैं लगभग कोशिश करूंगा जो बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं वो आपको मैं दे सकूं। मेरा जो आर्गुमेंटेटिव नेचर है यानी कॉन्सेप्ट को समझना उसके साथ जोड़ना, सिर्फ फैक्ट्स हम यहां नहीं पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा कि हम फैक्ट्स याद कर लें, बहुत से लोग क्रक्स या इस तरह की फैक्ट्स करते हैं, हम यहां बीटीएल पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, बिटवीन द लाइन जिसे कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट कहा जाता है और इसके साथ साथ उसको करंट से कैसे जोड़ना है, उस पे आर्गुमेंट्स आज की डेट में क्या चल रहे हैं, क्या हमारे जो है वो आज हमारा प्री और मेंस के साथ इसमें क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें मैं इसके साथ कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगले ये 200 बच्चे होने के बाद मैं इस फीस को इंक्रीज करूंगा क्योंकि ये बहुत लोअर साइड फीस है। तो जो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अपनी डेट्स को मिस ना करें और 9 जून से, कब से मैं बैच शुरू कर रहा हूं, 9 जून से मैं ये बैच शुरू कर रहा हूं, 9th से मैं ये बैच शुरू करूंगा ऑनलाइन, एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आपको ये बैच मिल जाएगा। और यहां पर ये चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन चारों बैच जो सब्जेक्ट्स है उस पे आपको एक बड़ी डायमेंशंस में जो है वो को आपको अवेलेबल कराऊंगा। LWMI नोट्स, मेरे हाथ के बने हुए नोट्स, वो आप क्लास के साथ अपना अरेंज करेंगे। आप जानते हैं मैं अक्सर स्टेटस लगाता हूं, वो आपको दिखाई पड़ेगा कि मेरे बच्चे किस तरह से नोट्स बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें बैक एंड पीडीएफ नोट्स, वो भी आपको मैं दूंगा और जो मेरा आर्गुमेंट है वो तो खैर आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जो इतना भारी भरकम जो एनसीईआरटी का बोझ है वो हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा, आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा, जो आपका समय बचेगा उसको मेंस की प्रिपरेशन में या आपने आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, इनमें आपको लगाना है, इन पर ज्यादा फोकस करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ने में या जो हायर सेकेंड लेवल की आपकी बुक्स हैं उन पर पढ़ने में लगाना है, रेदर दिन की साल दो साल अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग में लगा दूं और उसके बाद भी मुझे लगे कि मेरा अभी कुछ तैयार नहीं हुआ तो उसमें जो आपको बहुत बड़ा फाइनली लॉस हो जाता है। सो मैं बस यही चाहूंगा कि इस आंदोलन का हिस्सा बने, बहुत से बच्चे एंथुजियास्टिकली इसके साथ जुड़ रहे हैं और 9 जून का वेट ना करें, हमेशा यह ध्यान रखें कि उसके बाद, जैसे लास्ट टाइम मैंने फीस बढ़ाई थी तो कई बच्चों ने कहा कि नहीं हमने तो बहुत देर से जाना समझा, तो वो आर्गुमेंट्स नहीं हो, आपको मैं फिर से कह रहा हूं आप जल्दी जल्दी इसकी भागीदारी करें, इसके साथ जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। ये एक बेहतरीन मौका है जो कॉन्सेप्ट, करंट, LWMI नोट्स और BTL, इन सभी को मिलाकर एनसीईआरटी को एक नए तरीके, एक नए डायमेंशन में पढ़ने का ये बेस्ट मौका आपके साथ रहेगा। तो दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं और 9 जून से हम लोग यहां पर अपनी जो एनसीईआरटी आंदोलन की एक मुहिम है, एक शुरुआत है, उसको लेकर चलेंगे, जहां से मैं आपको सबसे पहले मेरा जो सबसे कोर स्ट्रेंथ है ज्योग्राफी, वहां पर मैं हमेशा के लिए डर दिखा दूंगा। और आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी मोस्ट फंडामेंटल बुक मानी जाती है, टफेस्ट डायमेंशंस बहुत बड़े हैं इसके, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बुक मानी जाती है, हर जगह ये रिकमेंडेड है, इवन दो मेंस तक के लिए रिकमेंडेड है। तो सबसे पहले और सबसे लार्जर पार्ट ये होता है क्योंकि इसमें साइंस और इसमें जो फैक्ट्स और इसमें कॉन्सेप्ट, ये तीनों का मिश्रण होता है। तो मैं सबसे पहले इसी के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगा, जुड़ते हैं और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं। प्लीज स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन इन दिस आंदोलन, एनसीईआरटी आंदोलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।